और दगड़ियों इनकी बहुत अच्छी सब्जी होती है, उतनी अच्छी बारिश नहीं हो रही ताकि ये पनप नहीं पा रहे ना खूब। दूसरा दिखाओ, एक ही ऐसा थी यहाँ पे कन कल 20 तन आई। और भी बड़ी जी लोगों की छान में, और बड़ी ने मेरे को दूध दे दिया पीने के लिए कटोरी में है, देखो गाय का दूध है शुद्ध, और ये हमारी बुद्धि का विकास भी। सौराष्ट्र सोमनाथम चा श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओंकारम मल्लेश्वरम परल्याम वेदनाथम चा डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु बंधयतु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तो विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम दुस्त्रिनेशम शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठ्ये नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरेण विनश्यति। बोलो भगवान श्री भोलेनाथ की जय। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नीरज खंडूड़ी और स्वागत करता हूँ आप सभी का उत्तराखंड चिन्याली शौर के इस खूबसूरत गांव गडोली से। तो साथियों, प्रातःकाल का समय है और श्रावण का मास है, इसी के साथ आप सभी के लिए मंगलमय कामना के साथ भगवान भोले आप सभी पर प्रसन्न हो, और आप जिस मार्ग पर अग्रसर हैं आप उस मार्ग के आखिरी पड़ाव तक पहुँचें और सफलता को चूम लें। तो चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, और कुरीड़ी भरी वादियों में आप सभी का स्वागत है ग्राम गडोली से। तो चलिए, तब तक मैं टाइम लैप्स लगा देता हूँ इस कुरेड़ी भरी वादियों का, है ना, क्लाउड्स मूविंग होते हुए देखेंगे आप सभी को। तो चलिए, अब घर के बगल वाले खेतों में थोड़ा माता जी काम कर रही है, मैं भी जाता हूँ खेत में। ये देखो चौमास की हरी भरी हर जगह झाड़ी झाड़ी है। अरे देखो साथी, मीठे करेले की बेल है सब इधर। और दगड़ियों यहाँ पर है सगोड़े में पिंडालू है, यानी अरबी बोलते हैं हमारी भाषा में, नहीं हमारी भाषा में पिंडालू बोलते हैं, आप शायद इसे हिंदी में अरबी बोलते हैं, अरबी बोलते हैं। और आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर लिखना। और यहाँ पे बीन भी है लगी हुई, और दगड़ियों इस खेत से इतना ये आया घास की पूरी, अब मेरे को ये छानी में ले जानी है, भैंस को पानी पिलाना है और घास डालना है। तो चलो फिर सीधे चलते हैं छान में, और कुरेड़ी लग रखी है चारों तरफ। साथियों छानी में पहुंच चुका हूँ, अब भैंस को घास डालता हूँ हमें इस सखी भांति, है ना। साथियों आजकल का मौसम समझ नहीं आ रहा है, सुबह कुरेड़ी लगी रहती है चारों तरफ और दिन में ठीक ठाक धूप होती है, देख रहे हैं आप धूप लग गई अभी और कुरेड़ी भी लग रखी है। वो बड़ी जी उधर गुड़ाई कर रही है हमेशा की भांति, और डांडियों में कुरेड़ी तो है ही, देखिए। चलो फिर अब घर चलते हैं, फिर मिलते हैं शाम को यही छानी में। दगड़ियों सांझ हो चुकी है, अब भैंस को चराने का टाइम भी हो चुका है, और ये मेरे लिए छानी के लिए परोठी है मेरे पास, ये बड़ा जी लोगों की है थैली में है जो, और ये अपनी वाली परोठी है। तो चलते हैं फिर
छानी में मिलते हैं सीधा। दगड़ियों परोठियाँ खोल चुकी है छान में। तो दगड़ियों भैंस भी खोल दी है और ये परोठी मेरे को ऊपर देनी है इस छानी में, बड़ी लोगों की है ना। तो चलो फिर उधर भैंस भी जा रही है, चलो पर। साथियों आ चुके हैं जंगल में, सबकी भैंस चल रही है अंदर। राहुल की है, हमारी है, तो दगड़ियों ये चल रही है सबकी भैंस है। देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये भी है। ये इतने स्टीप स्लोप में चढ़ते हैं, देख रहे हैं इतना ढंगार है फिर भी डरता नहीं है, चलते रहता है भयंकर के, इसलिए इसके पीछे रहना पड़ता है। वो देखो ये वाला भी भरा हुआ है और ये वाला भी भर रखा है, दोनों भर रखे हैं फुला फुल और गिर भी रहा है इनसे। ये देखिए देखिए और दगड़ियों आजकल बरसाती मौसम है तो जगह जगह ये नेचुरल जलाशय बने रहते हैं पहाड़ों में, देख रहे हैं आप। तो यहाँ से कोई जंगली जानवर भी आता है वो भी पीता है, यहाँ पे भैंस भी पी लेती है और जैसे गायियाँ हैं जाते समय भी यहीं भी पीती है और आते समय भी पीती है। और ये इस चौमास में ऐसे ही बनते रहते हैं, कुछ यहाँ पर हैं कुछ जंगल में, बीच जंगल में। दगड़ियों भैंस के साथ हैं और जगह जगह आजकल वाइल्ड मशरूम होते हैं ना, क्यों फुट रखे हैं अपने आप होते हैं ना धरती से। और ये राहुल बताए, देखो ये बहुत ज्ञाता है जंगल जंगली सब्जियों का। ये देखो कौन सा चियो है राहुल, ये छतरी। छतरी कौन सी निकाल तो उसे अच्छे से। और दगड़ियों इनकी बहुत अच्छी सब्जी होती है, उतनी अच्छी बारिश नहीं हो रही ताकि ये पनप नहीं पा रहे ना खूब। दूसरा दिखाओ, एक ही ऐसा थी यहाँ पे कन कल 20 तन आई और ये अच्छी वाली है शायद तिल छतरी भर की। और बरसात में ये च्यों होते रहते हैं साथियों, एक गुच्छ सी मशरूम भी होती है लेकिन वो दूसरे सीजन में होते हैं। गड़ियों भैंसी भी छानी में पहुंच चुकी हैं और बड़े जी लोग ऊपर पे खड़े हैं, ये देखो। तो यही है आजकल का रूटीन। और ठीक है साथियों, घर में हैं तो कुछ काम तो होना ही चाहिए, है ना। ये नज़ारे हैं, चलो फिर वीडियो भी एंड कर देते हैं यहीं पे, है ना। छानी अभी बड़ी जी लोगों की छान में, और बड़ी ने मेरे को दूध दे दिया पीने के लिए कटोरी में है। देखो गाय का दूध है शुद्ध और ये हमारी बुद्धि का विकास भी करता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट करता है। अब तो मैं छानी में हूँ, अब तो मैं पीते रहूँगा डेली डेली। और साथियों गाँव में हूँ तो पूरा भैंसे बन रखा हूँ आजकल, भैंसे यानी को भैंस को चराने वाला, भैंस की देख रेख करने वाला। तो कोई बात नहीं है, चलता है, जब घर में है तो घर के काम करने में क्या शर्म और क्या लाज, है ना। तो दगड़ियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद और जय देवभूमि उत्तराखंड की ये डांडा डांडा वाली छाने। नमस्कार।